दोस्तों, ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बाल उम्र के साथ अगर हों तो विजडम और मैच्योरिटी का साइन होते हैं, मगर परेशानी तब आती है जब कम उम्र में ही हमारे बाल सफ़ेद होने लगें। इनको छुपाने के लिए हम यूज़ करते हैं हेयर डाई, हेयर कलर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल और केमिकल वाली चीज़ होती है, जो हमारे बालों को गिराती है, यानी हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम देती है। साथ ही हमारी हेल्थ पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों, इन सारी केमिकल वाली चीज़ों को ना यूज़ करके हमें नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अपने सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए। पुराने ज़माने से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं और लोग यूज़ करते भी थे उस टाइम पर। उनके बाल कभी भी उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होते थे। तो आज मैं आपको एक बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेथड बताऊंगी सफ़ेद बालों को काला करने का। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेस्ट और 100% इफ़ेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है आंवला, यानी इंडियन गूजबेरी। इसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, मगर उसका सही रिज़ल्ट कैसे मिले, यानी कि आंवले से आप कैसे अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आप उसको कैसे सही से यूज़ करें कि जिससे आपको इसका फ़ायदा मिले, आज इस वीडियो में आप देखिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा रिज़ल्ट मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, आंवले के बारे में हम सभी जानते हैं और आपको ये भी पता होगा, आंवला बालों के लिए वरदान है। ये हमारे बालों को काला तो बनाता ही है, साथ ही बालों को घना और लंबा भी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। साथ ही ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हमारे बालों में एक नई जान लाता है, और साथ ही साथ ये हमारे पित्त दोष को भी कम करता है, यानी जिनको पित्त ज़्यादा बनता है, यानी एसिडिटी ज़्यादा होती है, उनके बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये उसको भी शांत करता है। तो इसलिए आंवले को कैसे यूज़ करें जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिले, आइए जान लेते हैं। आंवला यानी इंडियन गूसबेरी को सबसे इजीली आप कैसे यूज़ कर सकते हो? सबसे आसान तरीका है कि आप आंवले का जूस रोज़ पिएं। वो आप घर में भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आंवले का जूस, एक गिलास जूस अगर आप रोज़ पिएं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके ग्रे हेयर ब्लैक होने लगते हैं और साथ ही साथ आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन में भी फ़ायदा होता है। बाल तो चमकते ही हैं, आपके चेहरे की स्किन भी बहुत ज़्यादा चमकने लगेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। तो रोज़ सुबह आप आंवले का जूस पी सकते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आंवले का दूसरा सही तरीका ये है यूज़ करने का कि आप आंवले का तेल यूज़ करें अपने बालों की मसाज करने में। आप वीक में यानी हफ्ते में 2 से 3 बार आंवले का तेल अपने बालों में लगाएं, मसाज करें और फिर शैम्पू करें, तो देखिएगा आपको धीमे धीमे इसका रिजल्ट मिलने लगेगा, मगर मिलेगा ज़रूर। तो आंवले के हेयर ऑयल मार्केट में भी बहुत सारे मिलते हैं, जिनका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। साथ ही आप घर में भी आंवले का हेयर ऑयल बना सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उसकी वीडियो है। तो आप उसको आसानी से घर में बना के काफ़ी दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इससे आपके बाल जो ग्रे हो गए हैं यानी सफ़ेद हो गए हैं, वो काले बनते हैं। साथ ही साथ ये नए बाल भी उगाता है, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो दोबारा से उगने लगते हैं, तो इससे आपके बाल थिक बनते हैं, लंबे भी बनते हैं। आंवला यूज़ करने का तीसरा तरीका भी बहुत आसान है, जो मैं अभी बताती हूँ आपको, वो है ड्राई आंवला पाउडर। ये भी मार्केट में मिलता है या फिर आप घर में भी बना सकते हो, सूखा कर आंवले को पीस सकते हो, वो पाउडर बन जाएगा। तो उसको भी आप पानी के साथ दिन में 2 बार लो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप जूस नहीं पीना चाहते हो तो आंवले का पाउडर भी खा सकते हो। तो दिन में आप सुबह और शाम को 2 बार एक एक चम्मच आंवले के पाउडर को ले पानी के साथ, और देखिए फिर आपके बालों में क्या अंतर नजर आता है। एक लास्ट मेथड और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बहुत आसान है आंवला को यूज करने का, वो है आप आंवले का शैम्पू बना सकते हो।
घर में ही होममेड हर्बल शैम्पू बनाकर आप अपने बाल धो सकते हो। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है, साथ ही नेचुरल चीज़ें तो फायदा देती ही हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो सिंपल एक तरीका और है, अगर आंवले का पाउडर है आपके पास या फिर आप साबुत आंवला जो मिलता है मार्केट में वो ले सकते हो, उसको रात में आप पानी में भिगो दीजिए। जैसे आपने 2-3 चम्मच आंवले का पाउडर लिया और उसको आपने 1-1.5 गिलास पानी में डाल के रात में रख दिया और सुबह उस पानी से आप अपने बालों को धो सकते हो, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। साथ ही साथ जो आंवला होता है उसका आप हेयर पैक भी यूज़ कर सकते हो, वो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ किया हुआ है, तो आप वो भी चेक करो कि हेयर पैक यानी हेयर मास्क लगाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करने लगोगे तो आपके बाल जो कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं वो काले होने लगेंगे वापस से, साथ ही आपके बाल घने भी होने लगेंगे, बालों का गिरना रुक जाएगा। तो इन चीज़ों को जब आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हो तो इससे फ़ायदा मिलता है, मगर डिपेंड करता है आपके बालों पे, आपकी हेल्थ पे। तो कभी कभी किसी को बहुत ही जल्दी फायदा दिख जाता है और किसी किसी को लगता है थोड़ा टाइम, मगर फायदा जरूर होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपने इनमें से कोई भी मेथड यूज किया हुआ है और आपको उससे कितना फायदा मिला। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है थोड़ी सी भी, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी थी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए, वहां आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं फिर से एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।